हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। और देखिए दोस्तों, यूसी यूनिवर्सिटी की पीजी कैंपस की सेकंड मैच लिस्ट हमारी आ चुकी है। 4 सितंबर की इस रात में हमारी ये जारी हो गई है। और इस मेरिट लिस्ट को चेक करने के लिए आपको करना क्या है, उससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपको नोटिस मिल जाएगा, जो कि रहेगा आपका पीजी कैंपस सेकंड मेरिट लिस्ट, जो कि 4 तारीख की शाम को हमारा यहाँ पे आ चुका है। मेरिट लिस्ट में नेम आ जाने के बाद अब आपको जो एडमिशन लेना है वो 5 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक आप एडमिशन ले सकते हैं। 7 सितंबर को जो यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर हमारी छुट्टी है ड्यू टू 36 कॉन्वोकेशन की वजह से, तो आपको सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया जाएगा एडमिशन लेने के लिए। हो सकता है आपको ये डेट एक्सटेंड कर दी जाए और 9 सितंबर को आपको एडमिशन का मौका मिल जाएगा। इसका नोटिस आपको इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा एडमिशन के पेज पर। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको कैंपस के अंदर एमएससी कोर्स की जानकारी देने वाला हूँ कि एमएससी के जितने भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उसकी मेरिट लिस्ट कितनी गई है, किस कैटेगरी की, उसी की यहाँ पे आपको कैसे मेरिट लिस्ट चेक करनी है और कैसे अपना ऑफर लेटर डाउनलोड करना है, उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आपको कैसे मेरिट कट ऑफ चेक करनी है। मेरिट कट ऑफ चेक करने के लिए सबसे पहले हमें सीसी यूनिवर्सिटी की एडमिशन के पेज पर जाना है। एडमिशन पेज पर जाने के बाद देखिए मेरिट लिस्ट को चेक करने के लिए आपको जाना है मेरिट कट ऑफ के ऑप्शन पे। यहाँ पे ऑप्शन मिलता है गेट कैंपस मेरिट कट ऑफ, इस ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना है, किस कोर्स की आपको मेरिट कट ऑफ चेक करनी है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं एमएससी के अंदर फोरेंसिक साइंस। इसके बाद ग्रुप सेलेक्ट करना है आपको अपना यहाँ पे। इसके बाद राइट कैप्चा फिल करना है और फिर सर्च नाउ उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए एमएससी फोरेंसिक साइंस की यहाँ पे मेरिट कट ऑफ शो हो जाएगी, जो कि पीजी कैंपस की सेकंड मेरिट लिस्ट यहाँ पे शो कर रही है, जो कि सेकंड कट ऑफ यहाँ पे आपकी आ गई है। इसमें देखिए अनयूजुअल कैटेगरी के लिए जो यहाँ पे कट ऑफ रखी गई है वो रखी है 73.64, ओबीसी कैटेगरी के लिए रखी गई है 64.84, एससी के इस बार आई है हमारी सेकंड कट ऑफ 69.14 पे, एसटी कोई कट ऑफ नहीं है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ यहाँ पे 61.39 है और बाकी अदर कैटेगरी की आपको चेक करनी है तो आप यहीं से चेक कर सकते हैं। तो मेनली हमारी 4 कैटेगरी की यहाँ पे आपको देखनी होती है कट ऑफ। दोस्तों, एमएससी एग्रीकल्चर के सारे कोर्सेज को छोड़कर एमएससी कैंपस के अंदर बाकी कोर्सेज की जो मेरिट लिस्ट का मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया है। इसमें देखिए सबसे पहले हमने फोरेंसिक साइंस की अभी मेरिट लिस्ट हमने चेक कर ली है। बात करते हैं अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी की। इसमें देखिए मेरिट लिस्ट की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए आपकी फर्स्ट कट ऑफ आई थी हमारी अनुसूचित कैटेगरी के लिए वो आई है 83.75 पे और सेकंड कट ऑफ आई है हमारी 78.6 पे। तो कितना डिफरेंस रहा हमारा, टोटल 4% का डिफरेंस आपको देखने को मिला। ओबीसी कैटेगरी के अंदर फर्स्ट कट ऑफ आई थी हमारी 77.763 पे, सेकंड कट ऑफ आई है हमारी 74.9 पे। एससी की सेम तरीके से 65.75 पे आई है और सेकंड आई है हमारी 50% पे, यानी कितना डिफरेंस, टोटल 15% का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा एससी कैटेगरी के अंदर। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें, हमारा 67.06 पे हमारी फर्स्ट कट ऑफ आई थी, 67.06 पे हमारी सेकंड कट ऑफ है, कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं हुआ है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर। सेकंड कोर्स की बात करें हमारी बायोकेमिस्ट्री के अंदर बात करें, तो अनयूजुअल कैटेगरी के लिए हमारी जो फर्स्ट कट ऑफ आई है वो आई थी 79.33 पे, सेकंड आई है 76.8% पे, 3% का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें 72.78 पे हमारी फर्स्ट कट ऑफ आई थी, 71.3% पे हमारी सेकंड कट ऑफ आई है, तो टोटल 1% समथिंग का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। एससी की बात करें 60.4% पे आई थी हमारी फर्स्ट कट ऑफ, सेकंड कट ऑफ आई है हमारी 58.1% पे, यानी टोटल डिफरेंस हमारा 2% का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। एससी के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें 75.4% पे आई है फर्स्ट कट ऑफ, सेकंड कट ऑफ आई है हमारी 74.4% पे। बात करें यहाँ पे बायो इन्फॉर्मेटिक्स की, जो कि अनयूजुअल कैटेगरी के लिए यहाँ पे कट ऑफ आई थी फर्स्ट कट ऑफ 80.6% पे, सेकंड आई है हमारी इस बार 75.2% पे, हमारी सेकंड कट ऑफ आई है, टोटल 5% का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें 76.3% पे हमारी फर्स्ट कट ऑफ आई थी, सेकंड कट ऑफ आई है हमारी यहाँ पे 73.5% पे। एससी की बात करें हमारी सेकंड कट ऑफ जो हमारी है आई है इस बार 54.7% पे आई है और जो फर्स्ट कट ऑफ आई 72.9% पे, टोटल डिफरेंस हमारा लगभग यहाँ पे 15-16% डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है इस बार। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो फर्स्ट कट ऑफ आई थी हमारी 77% पे और जो सेकंड कट ऑफ आई है 52.3% पे आई है, लगभग 18% का डिफरेंस, 18 नहीं हमारा 22-23% डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर बायो इन्फॉर्मेटिक कोर्स के लिए। बात करें हमें यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी की, जो अनयूजुअल कैटेगरी के लिए फर्स्ट कट ऑफ आई है हमारी वो आई है 82.4% पे, सेकंड कट ऑफ आई है हमारी 77.6%, टोटल हमारा डिफरेंस ये देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पे 5% का। ओबीसी कैटेगरी के अंदर बात करें तो यहाँ पे जो फर्स्ट कट ऑफ आई है हमारी 77.5% पे आई है और सेकंड कट ऑफ आई है हमारी यहाँ पे 74.9% पे।
एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट कट ऑफ आई हमारी 72.3% पे और सेकंड कट ऑफ हमारी आ रही है इस बार 69.7% पे। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो फर्स्ट कट ऑफ आई हमारी 80.6% पे, सेकंड कट ऑफ आपको देखने मिलेगी 75% पे। बोटनी की बात करें अंडर कैटेगरी के लिए जो हमारी फर्स्ट कट ऑफ आई थी 81.8% पे, सेकंड कट ऑफ हमारी आई यहाँ पे 80.1%, टोटल डिफरेंस हमारा मिला है 1.7% का डिफरेंस हम देखने को मिल रहा है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो फर्स्ट कट ऑफ आई हमारी 76% पे, सेकंड कट ऑफ आई हमारी 76.8% पे। एससी की बात करें हमारी 73.2% फर्स्ट कट ऑफ आई है, 70.8% हमारी सेकंड कट ऑफ आई है, देखने को मिल रहा है डिफरेंस हमारा मिल रहा है 3%। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट कट ऑफ आई है 80.7% पे, सेकंड कट ऑफ देखने को मिल रहा है 77% पे। बोटनी की हमारी ये एमएससी कैंपस की सेकंड मेरिट लिस्ट का यहाँ पे कट ऑफ है। साथ ही बात करें हमारी केमिस्ट्री की यहाँ पे कोर्स के लिए फर्स्ट कट ऑफ आई है हमारी 85% पे, सेकंड कट ऑफ मिल रहा है देखने को मैं 80% में, 5% डिफरेंस इस बार हमें देखने को मिला है सेकंड कट ऑफ के अंदर। ओबीसी की बात करें तो यहाँ पे कट ऑफ मिली है फर्स्ट कट ऑफ 79.4% में मिली थी हमें, सेकंड कट ऑफ मिली है हमारी 77.9% पे। एससी की बात करें तो 77.5% पे फर्स्ट कट ऑफ आई थी, सेकंड कट ऑफ हमारी इस बार आई है 72.4% केमिस्ट्री कोर्स के लिए। ईडब्ल्यू कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे कट ऑफ आई थी हमारी फर्स्ट 80.17%, सेकंड कट ऑफ देखने को मिल रही है 77.42%। इन्वायरमेंटल साइंस की बात करें तो फर्स्ट कट ऑफ मिली है एनर्जी कैटेगरी के लिए 82.8% और सेकंड कट ऑफ मिली है 72.9%। ओबीसी कैटेगरी में हमें फर्स्ट कट ऑफ मिली है 74%, सेकंड कट ऑफ मिली है जो इस बार मिली है 69.7%। एससी की बात करें तो फर्स्ट कट ऑफ आई थी हमारी 72.9%, सेकंड कट ऑफ हमारी इस बार आई है 66% पे। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो हमारी फर्स्ट कट ऑफ आई थी 74.5% पे, सेकंड कट ऑफ हमारी आई है यहाँ पे 68.2% पे। होम साइंस फूड न्यूट्रिशन की बात करें यहाँ पे तो अनुजर कैटेगरी की जो हमारी कट ऑफ आई थी फर्स्ट 79.5% आई थी, इस बार आई है हमारी 77.5% सेकंड कट ऑफ में। ओबीसी की बात करें 69.7% हमारी फर्स्ट कट ऑफ आई थी, 59.4% हमारी सेकंड कट ऑफ आई थी, तो टोटल डिफरेंस हमारा देखने को मिल रहा है 10% यहाँ पे। एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंस आया हमारा यहाँ पे 55.6% हमारी आई है फर्स्ट कट ऑफ, 50.5% आई है हमारी सेकंड कट ऑफ, 7% डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे 57.10% फर्स्ट कट ऑफ आई है और सेकंड कट ऑफ हमारी बढ़ गई है यहाँ पे 58.2% हमारी सेकंड कट ऑफ आई इस बार हमारी हो गई है। मैथ्स की बात करें यहाँ पे तो अंडर कैटेगरी हमारी कट ऑफ आई है 85.7%, सेकंड कट ऑफ हमारी इस बार आई है 79.3%, 6% का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे 89.1% फर्स्ट कट ऑफ लगी थी, 78.4% हमारी सेकंड कट ऑफ लगी है। एससी की बात करें 78.9% फर्स्ट कट ऑफ आई थी, सेकंड कट ऑफ आई हमारी 77.06%। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करें तो 80% हमारी फर्स्ट कट ऑफ आई थी, सेकंड कट ऑफ आई हमारी 75.10। बात करें माइक्रोबायोलॉजी कोर्सेज की तो यहाँ पे एनुअल कैटेगरी आपको यहाँ पे कट ऑफ फर्स्ट कट ऑफ आई है 85.5%, सेकंड कट ऑफ आई हमारी यहाँ पे 79.7%। ओबीसी कैटेगरी में फर्स्ट कट ऑफ आई थी 79.8%, सेकंड कट ऑफ आई थी हमारी 77.1। एससी कैटेगरी की बात करें 73.8% फर्स्ट कट ऑफ आई थी, सेकंड कट ऑफ आई हमारी 69.7%। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 77.15 हमारी फर्स्ट कट ऑफ आई थी, 74.4 हमारी सेकंड कट ऑफ आई थी। सेम तरीके से हम बाकी कोर्सेज की यहाँ पे कट ऑफ चेक करें तो फिजिक्स की यहाँ पे सेकंड कट ऑफ आई है हमारी अर्जुन कैटेगरी के लिए 77.3%, ओबीसी के लिए आई है हमारी यहाँ पे 76.1%, एससी के लिए आई है हमारी 71.8%, ईडब्ल्यूएस के लिए इस बार हमारी आई है 76.1%। स्टेटिक्स कोर्स के लिए बात करें तो हमारी सेकंड कट ऑफ आई है हमारी अंडर कैटेगरी के लिए 74.1%, ओबीसी के लिए 69.6%, एससी के लिए 66.6%, ईडब्ल्यूएस के लिए आई है हमारी 68.2%। टॉक्सिकोलॉजी के लिए हमारी जो सेकंड कट ऑफ आई है अंडर कैटेगरी के लिए वही 70% पे लगी है, ओबीसी के लिए 55.8% पे लगी है, एससी के लिए 66.2% पे लगी है और ईडब्ल्यूएस कोई कैटेगरी यहाँ पे कट ऑफ लगी ही नहीं है टॉक्सिकोलॉजी के लिए। जूलॉजी के लिए बात करें यहाँ पे जो अनुजर कैटेगरी हमारी कट ऑफ लगी है सेकंड कट ऑफ 80.4% पे लगी है, ओबीसी के लगी है 77.8% पे, एससी के लिए लगे 74.3% पे और ईडब्ल्यूएस के लिए लगी है 76.12% पे। होम साइंस ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जो सिर्फ हमारी अंडर कैटेगरी जो यहाँ पे कट ऑफ कोई चेंजेस नहीं हुआ है, ओबीसी के लिए कोई कट ऑफ नहीं है, एससी के लिए कोई कट ऑफ नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई कट ऑफ नहीं है। तो ये हमारी कोर्स की जो एमएससी कोर्स की यहाँ पे कट ऑफ है, एमएससी एग्रीकल्चर कोर्स को छोड़कर बाकी सभी यहाँ पे एमएससी कोर्स की यहाँ पे कट ऑफ मैंने आपको दिखा दिए, किस कैटेगरी की सेकेंड कट ऑफ कितनी आई है वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी है।
तो देखिए दोस्तों, सभी कोर्सेज की मेरिट कट ऑफ चेक करने के बाद अब हम यहाँ पे इन कोर्सेज की सीटेबिलिटी भी चेक कर लेते हैं। और चेक करने के लिए आपको बोलते हैं सीटेबिलिटी ऑप्शन क्लिक करना है, सबसे क्लिक करना है गेट कैंपस सीटेबिलिटी ऑप्शन पे। उसमें क्लिक करने के बाद आपको कोर्स सेलेक्ट करना है, जो भी कोर्स की आप सीटेबिलिटी चेक करने चाहते हैं कि पीजी फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर कितनी सीट फिल हो चुकी है, कितनी अभी बाकी है, उसका कोर्स का नेम आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सेलेक्ट करना है ग्रुप, राइट कैप्चा फिल करना है और सर्च ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने उस कोर्स की यहाँ पे सीट अवेलेबिलिटी चेक हो जाएगी, जिसमें कितनी सीट अवेलेबल है और कितनी हमारी फिल्ड हो चुकी है, कितनी हमारी अभी बाकी है फिल्ड होना, वो आप चेक कर सकते हैं। साथ में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर कितनी सीट है और कितनी फिल हो चुकी है, कितनी अभी लेफ्ट है, वो यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरीके से आप बाकी कोर्सेज की भी सीट अवेलेबिलिटी चेक कर लीजिएगा कि किस कोर्सेज की कैंपस के अंदर कितनी सीट फिल हो चुकी है पीजी मेरिट लिस्ट 1 के अंदर और कितनी अभी बाकी है, वो चेक करके आप अपना एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट कीजिएगा। तो सीटेबिलिटी चेक करने के बाद अब बात करते हैं कैसे आपको मेरिट इंडेक्स चेक करना है। तो देखिए दोस्तों, मेरिट इंडेक्स चेक करने के लिए सबसे पहले आपको स्टूडेंट लॉगिन पे अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही हम डैशबोर्ड पर जाएंगे, जहां पे आपने कॉलेज कैंपस के लिए अपना फॉर्म फिल किया होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको स्टेप 7 मिलता है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट, जिसमें आपको व्यू प्रिंट कैंपस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के सामने प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट आपके सामने हो जाएगा, इसका आपको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लेना है। ये भी एडमिशन टाइम पे आपको सबमिट करना होता है। साथ में देखिए, इसमें आपका स्क्रॉल करने के बाद आपका यहाँ पे वेटेज मिल जाएगा कि आपको कितना वेटेज आपने क्लेम किया है, उसकी डिटेल मिल जाएगी। साथ में आपकी जो ग्रेजुएशन की परसेंटेज है वो आपको शो करेगी। तो यहाँ पे मेरिट इंडेक्स आपको बनाना कैसे है, जो आपकी परसेंटेज रहेगी ग्रेजुएशन की वो प्लस आपने जो वेटेज क्लेम किया है, दोनों को ऐड करने के बाद हमारा बनता है मेरिट इंडेक्स। मान लीजिए वेटेज क्लेम आपने 2% किया है और मेरिट आपकी है 78, तो आपकी जो मेरिट इंडेक्स बनेगा वो 80% बनेगा। तो इस तरीके से आप मेरिट इंडेक्स बना सकते हैं अपना। मेरिट इंडेक्स बनाने के बाद आपको चेक करना है अपने कोर्सेज, आपने किस कोर्सेज के लिए अप्लाई किया है, उन कोर्सेज का आपको चेक करना है मेरिट कट ऑफ। और मेरिट कट ऑफ आप जैसे चेक करेंगे, मैंने बता दिया पहले ही आपको, मेरिट कट ऑफ चेक करने के बाद आपको अपना मेरिट इंडेक्स उसमें देखना है। अगर मेरिट इंडेक्स आपका लाई कर रहा है उस कट ऑफ के अंदर, तो आपका मेरिट में जो सेकंड मेरिट के अंदर आपका नेम आ चुका है, आपको अपना ऑफर लेटर डाउनलोड करके अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे स्टूडेंट का सेकंड मेरिट कट ऑफ के अंदर यहाँ पे नेम आ चुका है, अब उसको अपना ऑफर लेटर डाउनलोड करना है। तो हम दोबारा से अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। डैशबोर्ड आ जाने के बाद अब हमें जाना है ऑफर लेटर के ऑप्शन पे, इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए हमारे सामने ऑफर लेटर शो हो जाएंगे, इसमें देखिए पीजी कैंपस के लिए आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट का हमारा। साथ में पीजी कॉलेज की जो पहली मेरिट लिस्ट आ चुकी है उसमें भी स्टूडेंट का नेम आ चुका है, काफी तीनों कोर्सेज के अंदर जो प्रेफरेंस उसने फिल की थी उसका भी ऑफर लेटर वो डाउनलोड कर सकता है। लेकिन हम अब बात कर रहे हैं पीजी कैंपस की एमएससी के कोर्सेज के लेके। तो यहाँ पे देखिए हमारे उसके दो कोर्सेज के अंदर यहाँ पे नेम आ चुका है, जो उसके दो प्रेफरेंस थी उसमें उसका नेम आ चुका है। अब बात करते हैं यहाँ पे वो किसी भी प्रेफरेंस में अपना ऑफर लेटर डाउनलोड करके, जिसमें वो चाहती है या चाहता है, वो अपना ऑफर लेटर डाउनलोड करके अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे हम अपने ऑफर लेटर के उसमें क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं देखिए हमारा पीजी कैंपस सेकंड मेरिट लिस्ट का ऑफर लेटर हमारे सामने शो हो जाए, इसमें स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन शो करती है। साथ में देखिए यहाँ पे उस कोर्स की डिटेल्स होगा, जिसका ऑफर लेटर उसने डाउनलोड किया है उसका परसेंटेज क्या है, मेरिट इंडेक्स क्या है, वो आपको यहाँ पे शो करेगा। साथ में यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल नंबर मेंशन होगा, जिसमें एडमिशन टाइम पे आपको ये बताना होता है। साथ में डेट मेंशन होगी, किस डेट से किस डेट तक आप एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि 5 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक आप अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। तो इसका आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है और अपने पास सेव रख लेना है। साथ में जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट है उसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। इन दोनों डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपके पास 10th 12th ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट होने चाहिए, उनकी फोटोकॉपी होनी चाहिए जो कि सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। साथ में कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस अगर आपने अप्लाई किया एडमिशन टाइम पे, तो वो डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। आधार कार्ड की फोटोकॉपी जो कि सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। दो फोटोग्राफ होने चाहिए आपके पास। ये सारे डॉक्यूमेंट ले जाके आपको कैंपस में जिस कोर्स के अंदर आपका मेरिट लिस्ट नेम आया है और एडमिशन चाहते हैं आप अपना, उस डिपार्टमेंट जाके अपना सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करके एडमिशन कंफर्म करा लेना है। एडमिशन कंफर्म होने के बाद आपको एक स्लिप दी जाती है, जो कि एडमिशन कंफर्मेशन स्लिप होती है, वो अपने पास सेव रख लीजिएगा। तो इस तरीके से आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर पीजी कैंपस की सेकंड मेरिट लिस्ट के अंदर नेम आने के बाद अपना ऑफर लेटर डाउनलोड करके एमएससी कोर्स की किसी भी मेरिट लिस्ट को आपको चेक कैसे करना है वो भी मैंने इस वीडियो के अंदर बता दिया है। और ऑफर लेटर डाउनलोड करने के बाद अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।